नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए, रीजनिंग की क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज की श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो आपका है घन और घनाभ। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका और बड़े अच्छे से समझिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आने वाले एग्जामों में कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जब भी बनते हैं 3-4 क्वेश्चन लगातार बनते हैं, बहुत सरल है आपका। आइए एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, टॉपिक का नाम बड़े बड़े शब्दों में साफ साफ लिखा हुआ है, घन और घनाभ। ठीक है ना, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी लोग एक कॉपी अपनी बना लीजिएगा और उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जो भी फॉर्मूले होंगे, वो सारे आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपका घन और घनाभ होगा, आप लोग नोट करते चलें और आइएगा आगे बढ़ते हैं। आइए देखें कि घन और घनाभ जो नाम हम लोगों ने सुने हैं वो हैं क्या, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। तो यहाँ पे आपको परिभाषा देखो दर्शाई जा रही है, बताई जा रही है घन क्या होता है। देखें जरा, साफ साफ लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। देखो साफ साफ कहा है, बराबर होती है। ठीक है, याद रखें क्या क्या बराबर बताया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। वह जो आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है तो घन की आकृति कहलाती है। ये देखो एग्जाम्पल भी बताया है, पासा क्या होता है, पासा जैसे हम लोग बनाते हैं ना, इस तरह की जो आकृति होती है ये एक घन की आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, हाँ, अब घनाभ में क्या परिवर्तन होता है देखिएगा। घनाभ में क्या होता है, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अभी ये था कि बराबर होती है तो घन था और यहाँ बराबर नहीं होती है, देखो यहाँ मना कर दिया है। ठीक है ना, तो घनाभ की आकृति कहलाती है। क्या कहा था कि वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है घनाभ की आकृति कहलाती है। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है आपने देखा होगा, माचिस है, ईंट है, डस्टर है, अगर ये आपने देखा होगा तो इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। ये सारी जो आकृतियाँ हैं, एक आयताकार बॉक्स हो गया, आयताकार लकड़ी का टुकड़ा हो गया, इस तरह से ये सारी जो आकृति हैं वो घनाभ की आकृति होती हैं और जिनका बराबर होता है वो घन की आकृति होती हैं। सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आपने नोट भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे ये पॉइंट में कन्फ्यूजन कभी हो ना, आपका हमेशा बना रहे। ठीक है, हाँ, तो एक बार पुनः रिवाइज करेंगे, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है घन की आकृति कहलाती है, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है घनाभ की आकृति कहलाती है। आइएगा आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, घन से घन काटना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, घन से घन काटना, मतलब एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन है जिससे क्या है छोटे छोटे घन काटने हैं। तो यहाँ से पॉइंट निकला कि घन से घन कैसे काटते हैं। ठीक है, अब देखो, एक बड़े घन को छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काटा गया, काटने के बाद प्राप्त कुल छोटे घनों की संख्या, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपको एक बड़े घन की भुजा बता दी जाएगी, कहा जाएगा आपसे ये सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं, आपसे फिर बाद में पूछा जाएगा बताइए कुल कितने घन प्राप्त हुए हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो इनकी कुल संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैपिटल एन का मान होता है स्मॉल एन का होल क्यू, क्या होता है स्मॉल एन का होल क्यू। ठीक है, अब स्मॉल एन क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये होता है स्मॉल एन का मान। क्या होता है भाई, ये होता है स्मॉल एन का मान होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, हाँ, हम लोग स्मॉल एन ऐसे निकाल सकते हैं, बड़े घन की भुजा बटे छोटे की छोटे घन की भुजा करेंगे, इसका होल क्यू कर देंगे तो हमें कैपिटल एन का मान मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप सब लोग नोट कर लीजिए, क्या कैपिटल एन का मान क्या होता है, स्मॉल एन का होल क्यू, और स्मॉल एन क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। आइएगा आगे बढ़ते हैं, देखो जैसा भी हम लोगों ने पॉइंट सीखा है इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हमें कैसे बताना है। तो पढ़े जरा पहला क्वेश्चन क्या है,
15 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, कुल छोटे छोटे कितने घन बनेंगे? आपको यहाँ दर्शाया गया कि 15 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, आप सब जानते हैं, और छोटे घन में काटना है 3 सेंटीमीटर का छोटा घन है। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े घन की भुजा का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा का मान कितना आया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप बताओ यहाँ से क्या निकाल सकते हो? अभी आपको हमने बताया था आप स्मॉल एन का मान कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। आप यहाँ से स्मॉल एन का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 बटे 3 करेंगे तो स्मॉल एन बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल एन का मान 5 आया है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था? कुल छोटे छोटे घन कितने बनेंगे? आपसे कैपिटल एन का मान पूछा जा रहा है। अब कैपिटल एन का मान कैसे निकालते हैं? आप सब जानते हैं कैपिटल एन का मान होता है स्मॉल एन का होल क्यूब। ठीक है, और स्मॉल एन तो आप पहले से ही निकाल चुके हैं, कितना था? 5। यदि आप 5 का क्यू कर देंगे तो आपको कुल घनों की संख्या पता चल जाएगी। इसका मतलब 125 जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी सही आंसर भी होगा। ठीक है, समझ गए ना? क्या समझ में आया? कभी कोई क्वेश्चन में बड़े घन की भुजा का मान बताया जाएगा, छोटे घन की भुजा के रूप में उसे काटना होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से स्मॉल एन का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा करेंगे। ठीक है, फिर कुल संख्या निकालनी है। कुल संख्या कैसे निकालते हैं? कैपिटल एन बराबर होता है स्मॉल एन का होल क्यूब। स्मॉल एन क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। वहाँ से स्मॉल एन निकालेंगे, उसका क्यू कर देंगे तो कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबको बात समझ में आई है? कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, पूछो। किसी प्रकार का किसी भी विद्यार्थी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जल्दी से पूछिएगा। अगर आपको बातें समझ में आई हो तो अगला क्वेश्चन हम आपके लिए ही दे देते हैं कि आप हमें सॉल्व करके बताएं। चलो बताओ भाई क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 0.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया गया, तो बताइए छोटे छोटे घनों की कुल संख्या क्या होगी? आप सभी लोग इसका मुझे आंसर बताएंगे। अभी हाल जो हमने सीखा है उससे संबंधित इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप चेक करिएगा आपने जो अभी सीखा है, क्या इस तरह के क्वेश्चन को आप लगा पा रहे, कहाँ पे समस्याएं आ रही हैं। जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको आप पूछिएगा, जिससे उन समस्याओं का बड़े सरल तरीके से आपको समाधान मिल सके। आपको दिखाई दे रहा होगा 2 सेंटीमीटर के बड़े घन को, यानी बड़े का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, है ना? 0.5 सेंटीमीटर के छोटे घन में, इसका मतलब छोटे का मान क्या हो जाएगा? 0.5। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 0.5। आप क्या करें, अगर बड़े का मान मिल गया, छोटे का मान मिल गया, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? स्मॉल एन का मान निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है स्मॉल एन का मान? बड़े बटे छोटे कर देते हैं। तो हम जब बड़े बटे छोटे करेंगे, 0.5 हटेगा, 20/5 को हम लोग क्या कहते हैं? 4 कहते हैं, यानी स्मॉल एन का मान 4 आ गया। उम्मीद है आप सब लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा और n का मान 4 निकाल लिया होगा। अरे स्मॉल n का मान 4 आया है, आपसे क्या पूछा है? कुल संख्या पूछी है जो कैपिटल n बराबर स्मॉल n का होल क्यू होती है। ठीक है ना, कैपिटल n का मान क्या होता है? स्मॉल n का होल क्यू है। अब स्मॉल n आपने कितना निकाला? 4 आया है, तो कुछ नहीं करो, 4 का क्यू कर दो। 4 का क्यू क्या हो जाएगा? 64। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर B 64 हो जाएगा। खैर, आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही बताया है, आंसर सही बताया है, बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझा है आपको, खैर समझ में भी आया है। ठीक है, तो बताइए अगर इस तरह के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे? बताइएगा सभी लोग कर लेंगे कि नहीं? अगर कर लेंगे तो फिर एक और क्वेश्चन आपके लिए है, जरा यहाँ देखें फिर मुझे आंसर बताएं। अब क्या क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देना। 27 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को, ठीक है, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया,
काटने के बाद छोटे छोटे कुल कितने घन प्राप्त होंगे। अगर आपने अभी तक सारी बातें सीखी होंगी, सारी बातें आपको समझ में भी आई होंगी, तो इसका परिचय आप हमें एक बार बता दीजिएगा। आपकी हाँ इस क्वेश्चन के आंसर से हो जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सही बताएंगे तो मुझे ये भरोसा हो जाएगा कि आपको सारी बातें समझ में आई हैं, और आने वाले समय में आपके जो एग्ज़ाम होंगे उनमें इस तरह का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े सरलतम रूप से कम समय में कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कि मुझे महसूस हो रहा है कि आप सब के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और आंसर आप सब लोगों के खैर बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्या बात है, आप लोगों ने बड़े अच्छे से सीखा है। अरे कुछ नहीं करना था, ये तो अब ओरली आ जाएगा। अब तो आप जब बातें समझ में आ ही गई हैं तो सारे क्वेश्चन अब आपके ओरली हो जाएंगे। बड़े का मान 27 हो गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है 27 सेंटीमीटर के बड़े घन को, तो बड़े का मान 27 हो गया। 3 सेंटीमीटर के छोटे घन में छोटे का मान 3 हो गया। तो जब बड़े का मान पता चल जाए, छोटे का मान पता चल जाए, तो आप वहाँ से किसका मान निकाल सकेंगे, तो आप वहाँ से स्मॉल एन का मान निकाल सकेंगे। अब आपसे पूछा क्या है बताओ, छोटे छोटे कुल कितने घन प्राप्त होंगे, ये आपसे पूछा है। अरे ये क्या होता है, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन का होल क्यू होता है। स्मॉल एन आप पहले से निकाल चुके हो, 9 का यदि आप क्यू कर देंगे 729 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बताइए सारी बातों को आपने समझा होगा, बड़े सरल तरीके से आपने समझा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से आपको मिलवाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, देखिए जरा समझे क्या है। अभी आपने क्या सीखा था, घन से घन काटना, और इस बार पॉइंट आया है क्या, घनाप से घन काटना। क्या लिखा हुआ है, घनाप से। मान लो अभी तो हमने एक बड़ा घन दे दिया था आपको और आपसे कह दिया था आप छोटे छोटे घन बनाओ, कितने घन बनेंगे ऐसा था। लेकिन अब हो सकता हो हम आपको एक घनाप दे दें और आपसे कह दें बताओ ये घनाप है, इससे आपको घन काटना है। अब घनाप क्या होता है आप जानते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है ना, वही आकृति तो घनाप कहलाती है। और घन क्या होता है, घन की जो भुजा है मतलब वही लंबाई होगी, वही चौड़ाई होगी, वही ऊंचाई होगी, वो तो बराबर है। तो यहाँ पे अगर आपसे कुल संख्या निकालने को कहा जाए तो आप छोटे से पॉइंट को याद रखेंगे कि जब आपसे कुल संख्या निकालने को कहा जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, घनाप का आयतन बटे घन का आयतन कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, एल बी एच बटे ए क्यू करेंगे। घनाप का पहले आयतन निकालेंगे, फिर आप घन का आयतन निकालेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे, घनाप का आयतन बटे घन का आयतन जो आएगा वो उनकी कुल संख्या कहलाएगी। बड़ा अच्छा पॉइंट है, सभी लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इस पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर लो। जो लोग कॉपी बनाते चल रहे हैं उन लोगों से भी कहना है कि सारी बातों को नोट करते चलें। ठीक है, जिससे कभी भी किसी प्रकार का अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप अपनी कॉपी की सहायता से उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, यदि कॉपी पेन का उसकी सुविधा ना हो आपके पास तो बड़ा अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप अपनी फोटो को कैप्चर कर लें, जैसे हम लोग स्क्रीनशॉट कहते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आप जब भी अपना मोबाइल चलाएंगे तो उससे क्या फोटो की सहायता से इस तरह के पॉइंट आपके रिवीजन होते रहेंगे। ठीक है, अब ये आपने पॉइंट तो सीख लिया है, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या होता है देखें जरा। इस पॉइंट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा जरा यहां ध्यान दें। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ें जरा। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा जिसकी लंबाई देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर बताई है, चौड़ाई यहाँ 3 सेंटीमीटर बताई है, और यहाँ पर ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। कह रहा था इससे 1 सेंटीमीटर के, ध्यान दीजिएगा, हाँ बातें सारी पढ़नी है, इससे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं, बताओ कितने घन बनेंगे, ऐसा आपसे पूछा है। तो आपने अभी देखा था कि जब घनाप से घन काटना होता है तो आप क्या करते हो, घनाप का क्या निकालते हो, आयतन निकालते हो। क्या निकालते हो, आयतन। ठीक है, जिसे हम लोग आयाम भी कहते हैं। तो हम जब घनाप का आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो करते हैं। और घनाप का क्या हो जाता है, सॉरी घन का हो जाता है ए क्यू, घनाप का हो जाएगा एल बी एच। चलो निकाल लेते हैं भाई, तो 4 लंबाई है, 3 चौड़ाई है, 2 ऊंचाई है। अब
घन की भुजा कितनी बताई है, 1 सेंटीमीटर, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 4 तिया 12 दूनी 24, 24/1 करेंगे तो 24 ही आएगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 24 बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, बताइए, बातों को बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा, आपको खैर समझ में भी आया होगा, 2 पॉइंट आपने बड़े अच्छे से सीखे हैं। क्या सीखे हैं भाई, कि घनाभ से घन कैसे काटते हैं, घन से घन कैसे काटते हैं, घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, सारी बातों को आप लोग बड़े अच्छे से सीख रहे हैं। तो आइएगा एक और क्वेश्चन हो जाए आपके लिए। अगला क्वेश्चन भाई आपको ही दिया है और ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। ठीक है, अगर बातों को आप सही ढंग से समझ रहे हैं तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। देखो, साफ साफ कहा है, एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा जिसका आयाम, आपको बताएं आयाम भी आयतन के बराबर होता है। ठीक है, 6 × 5 × 4 है, इससे 2 सेंटीमीटर के, ध्यान रहे घन की भुजा कितनी मिल गई है, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे एवं बराबर घन बनाए गए हैं। तो बताइए कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। वही करिएगा, पहले घनाभ का आयतन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 × 4 = 120 हो जाएगा ना। अब घन का आयतन निकालेंगे, भुजा क्यों होता है ना कि आप 2 का भाग दे दे, जल्दी ये जब लोग जल्दी में एग्जाम में होते हैं तो जल्दी से यही कर देते हैं, 120 में 2 का भाग दे देते हैं, 60 पे टिक लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना है भुजा का क्यों करना है, 2 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 से ये कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। इसका मतलब राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी यानी 15 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घनाभ का आयतन था यहाँ पे 120, घन का आयतन था 8, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन करेंगे, 120/8 करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन यानी आंसर जो है वो 15 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक की सारी बातें सबको समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ, एक बार और आप रिवीजन कर लो कितना आपने अभी पढ़ा है। सबसे पहले घन और घनाभ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, घन और घनाभ में क्या होता है देखिएगा, घन की आकृति वो आकृति कहलाती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, सब लोग जानते हैं, है ना। घनाभ की आकृति वो आकृति कहलाती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है, तो वो घनाभ की होती है। एक आपको एग्जाम्पल बताया गया, घन का एग्जाम्पल जो होता है, क्या बताया था आपको, घन का जो एग्जाम्पल है वो आपका पांसा था, घनाभ का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो आपका जैसे माचिस है, ईंट है, डस्टर है, इस तरह की आकृति घनाभ की आकृति हो जाती है। एक पॉइंट आपको और बता दें, घन और घनाभ, ठीक है ना, दोनों में 6 सतह होती हैं। कितनी होती हैं, 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होगी, 6। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है, 6 सतह होती हैं। और क्या होता है, 12 किनारे होते हैं। ठीक है, और 8 कोने होते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना सभी लोग, बहुत अच्छा है। ठीक है, 6 सतह हैं, 12 किनारे हैं और 8 कोने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, घन और घनाभ में, दोनों में, घन में भी और घनाभ में भी 6 सतह हैं, 8 कोने हैं और 12 किनारे हैं। जिन लोगों को पता है वो लोग अच्छे से रिविजन कर लें, जिनको नहीं पता है वो इस पॉइंट को नोट कर लें। ये देखो 8 कोने होते हैं इस तरह से, ठीक है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये 8 कोने हैं, ये जोड़ने वाली जो लाइनें हैं इनको हम लोग किनारे कहते हैं। ये टोटल आप अगर काउंट करेंगे आपको 12 मिलेंगी, यानी 12 किनारे होते हैं, 6 सतह तो आप जानते हैं, ऊपर नीचे, बायां दायां, सामने और पीछे। ठीक है, तो इस तरह से घन और घनाभ में क्या क्या होते हैं, सतह, कोने और किनारे, 6 सतह। सतह को पृष्ठ भी कहते हैं और सतह को पृष्ठ भी कहते हैं, सतह को फलक भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि घन से आपने सीखा, घन से घन कैसे काटते हैं, घन से घन हम लोग काटते हैं कि बड़े घन का मान आपको दे दिया जाएगा, छोटे घन का मान दे दिया जाएगा, आप वहां से स्मॉल एन का मान निकाल लीजिए, बड़े बटे छोटे करके,
बड़े बटे छोटे करेंगे आप, इसके बाद में फिर क्या करेंगे, कैपिटल एन का जब आप मान निकालेंगे तो स्मॉल एन का होल क्यू कर देंगे, वही आपसे पूछा जाएगा, तो वो स्मॉल एन का होल क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल एन का होल क्यू, बस आपका कैपिटल एन यानी कुल संख्या पता चल जाएगी। अगर घनाभ से घन काटना होगा तो आप क्या करेंगे, तो भी आप कुछ नहीं करेंगे, वही कैपिटल एन का मान कैसे पता चल जाएगा, घनाभ का आयतन निकालेंगे बटे घन का आयतन निकालेंगे, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन कर लेंगे। तो ये सारा घन और घनाभ का बेसिक रूप है, ये सारी जानकारी आप सबको पता होना चाहिए, कॉपी में आपने नोट कर ली होंगी, तो इसको एक दो बार रिवाइज करते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, ये तो एक बेसिक रूप था जो आज की क्लास में आपको बताया, अगली क्लास में इसके आगे थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा इस टॉपिक में हम लोग डीपली भी जाएंगे, हर प्रकार से जाएंगे, शुरुआत से लेकर हर प्रकार के क्वेश्चन आपके होंगे जो भी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक की है, फिर मिलेंगे आप सबको अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।